क्या हाल चाल है भाई लोगों। सबसे पहले तो खुशखबरी उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि अपने चैनल ने 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं, तालियां। और अब दूसरी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो सैमसंग गैलेक्सी टैब A10.1 लेना चाहते हैं लेकिन इस डाउट में है कि क्या इसमें उनको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी, यानी कि जो ये मिल रहा है मॉडल उस पे परहैप्स जो मैंने लिया था और अब शायद जो मिल रहा है उसमें भी एंड्रॉयड 9 आपको मिलेगा। तो कई लोगों के ये डाउट था कि क्या इस टैबलेट में आगे सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी या फिर सैमसंग के बाकी अधिकतर जो टैबलेट है उनकी तरह सिर्फ एंड्रॉयड 9 मिलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उनको बताना चाहूँगा, खुशखबरी उनके लिए ये है कि इसमें एंड्रॉयड 10 की अपडेट आ चुकी है और मैंने इंस्टॉल की है आज ही। डाउनलोड वो पहले हो गई थी लेकिन इंस्टॉल मैंने आज की है। तो अब कन्फर्म मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को कि अगर आप ये टैबलेट लेते हो जो कि है सैमसंग गैलेक्सी टैब A10.1, तो भैया इसमें आपको एंड्रॉयड 10 की अपडेट मिलेगी फॉर श्योर। लेकिन हो सकता है कि जब आप ये टैबलेट खरीदो तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 ना मिले, एंड्रॉयड 9 मिले, तो वो आगे आपको अपडेट कराना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी पहले से इंस्टॉल करके भेज देती है स्टॉक, अपडेट बाद में मिलती रहती है। तो भाई एंड्रॉयड 10 की अपडेट मिल गई और कई लोग पूछ रहे थे कि UI क्या बदलाव आए UI में, तो वो भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहता हूं मैं कि इस टैबलेट का मैंने एक और रिव्यू बनाया है, जल्दी उसकी वीडियो मिलेगी आपको, कि ये टैबलेट स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए कैसा है, ना तो उस पर पूरा कंप्लीट रिव्यू बना रहा हूं। और शॉर्ट में एक चीज़ अभी बता देता हूं, ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है कि भैया ये पढ़ाई में मस्त है। तो इस पे वीडियो आने वाली है, स्पेसिफिकली वो स्टडी से रिलेटेड ही होगी कि इसमें PDF पढ़ना कैसा है, वीडियो देखना कैसा है, बाकी नोट्स ले सकते हैं नहीं ले सकते, ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं, और उसका भी एक अच्छा तरीका आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि इसमें पाम रिजेक्शन नहीं है, ऐसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन एक ट्रिक मैंने रिसर्च करके निकाली है उसके बारे में भी उस वीडियो में बताऊंगा, तो वो वीडियो जल्दी आने वाली है। तो अब बात करते हैं कि भैया UI में क्या चेंज हुआ, ज़्यादा चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो देखो सबसे पहले तो मैं चला लेता हूँ इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ इसका यूज़र इंटरफेस, ठीक है। यूज़र इंटरफेस में कोई ज़्यादा भारी परिवर्तन नहीं आया है, मतलब जो सैमसंग इसमें खुद का ऊपर से स्किन लगाती है, सैमसंग खुद का थोड़ा सा कस्टमाइजेशन है तो वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो एंड्रॉयड 10 के फीचर है वो ज़रूर आपको मिल गए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हुआ है वो शटर अगर खोल के देखूँ मैं तो शटर में है ना, शटर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बदली है वो ये कि एक तो ब्लू लाइट फिल्टर इन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए पावर का बटन यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ से पावर ऑफ रिस्टार्ट कर सकते हैं, और साथ में ये जो है ये भी डाल दिया है एक क्विक पैनल लेआउट, आप पैनल का लेआउट अपना चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस टॉप पे चाहिए आपको, बॉटम पे चाहिए उसको चेंज कर सकते हो, और मीडिया डिवाइसेज चाहिए आपको कहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में स्टेटस बार को भी आप अपने कस्टमाइज कर सकते हो, 3 मोस्ट रिसेंट आपको नोटिफिकेशन चाहिए क्या चाहिए वो भी यहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और इसके अलावा क्या चेंज किया है, इसके अलावा जो चेंज किया मेरे प्यारे वो किया है इसमें फोकस मोड भी दे दिया है। फोकस मोड में क्या है कि जैसे अभी ये टैबलेट है जो कि सैमसंग को भी पता चल गया कि भाई इतना बड़ा टैबलेट गेम खेलने के लिए तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई खरीदेगा, क्योंकि वो मोबाइल खरीद के मोबाइल में खेल सकते हैं, इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये टैबलेट स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो है वो है स्टडी के लिए। तो स्टडी करने वाले को कई डिस्ट्रैक्शन होते हैं, देखो अपन टाइम पास कर रहे हो तो अपने को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, लेकिन जब पढ़ रहे होते हैं ना भैया बहुत डिस्ट्रैक्शन आते हैं, मतलब दिमाग भटकता है इधर का उधर। तो उसके लिए अब एंड्रॉयड 10 में सैमसंग ने इसमें दिया है फोकस मोड, यानी कि उसको चालू करोगे तो क्या होगा, उसमें आप सेट कर सकते हो कि भाई ये एप्लीकेशन ही काम करेगी, फोकस मोड जब चालू रहेगा तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, बाकी एप्स काम नहीं करेगी, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगे तो डिस्टर्बेंस एकदम खत्म हो जाएगा। वो आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी एप्स चाहिए जो आप काम में लेना चाहते हो, फोकस मोड काम में लेते वक्त। उसके अलावा जो चीज़ आई है वो है डार्क मोड। डार्क मोड देखो यहाँ से चालू कर सकते हैं अपन, इसमें यहाँ पे था कहीं पे ये रहा डार्क मोड, इसको देखिए ऑन या ऑफ कर सकते हो। डार्क मोड चालू करोगे तो सब कुछ डार्क हो जाएगा, हालांकि बाहर अगर हो धूप में तो उस वक्त डार्क मोड अच्छा नहीं लगता, लेकिन रात के वक्त डार्क मोड को देखने में बड़ा मजा आता है क्योंकि आंखों पे इतना वो नहीं पड़ता, स्ट्रेन नहीं पड़ता। और ब्लू लाइट फिल्टर जो है वो भी इसी के लिए है कि भाई जब पढ़ रहे हो PDF पढ़ रहे हो रात को, जैसे अब ये टैबलेट है तो किताब में बुक में और इसमें फ़र्क ये है कि बुक तभी पढ़ सकते हो जब रोशनी हो, लेकिन इसको अंधेरे में पढ़ सकते हो, यानी कि कई तरह की लिमिटेशन हट जाती है कि भैया अब किताब के लिए आपको लाइट जलानी पड़ेगी, कई बार लाइट नहीं आ रही होती कहीं पर या फिर लाइट नहीं जला सकते, तो
इसमें बिना किसी को डिस्टर्ब किए आराम से अपना पीडीएफ पढ़ सकते हो। बुक्स आजकल सारी पीडीएफ में अवेलेबल है तो वो पढ़ सकते हो, और रेजोल्यूशन भी इसका मस्त है। मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, आपको बताया मैंने स्टडी के लिए, उसमें सब कुछ बताऊंगा पीडीएफ कैसा रीड कर सकते हो, क्या क्या एडिशनल फंक्शन काम में ले सकते हो पीडीएफ जब रीड करते हो बुक को पीडीएफ में, नॉर्मल बुक से क्या फायदे हैं वो सब कुछ, और बाकी नोट्स कैसे ले सकते हो सब कुछ बताऊंगा। वो उसकी टेंशन मतलब वो वीडियो आएगी। लेकिन जो ये ब्लू लाइट फिल्टर है वो ये करता है कि इसमें से ब्लू लाइट हटा देता है, तो पीडीएफ जब अपन लॉन्ग टर्म तक पढ़ते हैं ना, लंबे समय तक, तो उससे आंखों पे स्ट्रेन नहीं आता। तो स्ट्रेन कम करने के लिए हम स्पेसिफिकली सैमसंग भी इसको फोकस कर रही है किस और कि ये स्टडी टैबलेट एक बना सके इसको अच्छा खासा बढ़िया। तो देखो उसके अलावा अगर मैं तुमको दिखाऊं कि इसका एंड्रॉयड वर्जन क्या है, तो एंड्रॉयड वर्जन देखो अबाउट में जाते हैं, हम अबाउट टैबलेट में गए और इसके बाद में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये देखो एंड्रॉयड वर्जन 10, तो और ये वन यूआई सैमसंग का वन यूआई ऊपर से डाला हुआ इसमें, और एंड्रॉयड वर्जन इसमें 10 है। तो ये बात आप भी देख लो, और मैं आपको एंड्रॉयड का नाम भी बताता हूँ, इसका नाम भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए मॉडल है SMT510 और सैमसंग गैलेक्सी टैब है, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि ये वही टैब है जो आप बाय करने वाले हो, खरीदने वाले हो। तो देखो एंड्रॉयड 10 की अपडेट इसमें आपको मिल जाएगी, और यूआई में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बताया 2-4 ऑप्शन एडिशनल जुड़ जाएंगे जो कि काम के हैं, जैसे कि फोकस असिस्ट है या फिर ब्लू लाइट फिल्टर है, जो कि बड़े काम आने वाले हैं जब आप लॉन्ग टर्म तक इसको स्टडी में काम में लेंगे, पढ़ाई में। टाइम पास वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो स्टडी पे दोस्तों एक रिव्यू आने वाला है जल्द ही, या तो एक या दो दिन में आ जाएगा कन्फर्म, और उसमें पूरा डिटेल बताऊंगा। अगर स्टडी के लिए इस टैबलेट को ले रहे हो ना, तो ये टैबलेट एक बात बता दूं कि स्टडी के लिए ले रहे हो पछताओगे नहीं, बिल्कुल ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर पढ़ने के लिए ले रहे हो वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, और क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो उसके लिए एक नई वीडियो में बना ही रहा हूँ, पूरी उसमें रिव्यू दूंगा स्टडी परस्पेक्टिव से, और किसी चीज़ को नहीं लूँगा, गेम टाइम पास की कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ काम की चीज़, टाइम को यूज़ करने की चीज़, स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा इस टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और भाई सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो भाई के चैनल को। भाई अलग रिव्यू बनाने की कोशिश करता है, नॉर्मल लोग तो जैसे भेड़ चाल में चलते हैं, वो जो लोग बता रहे हैं वो भी वैसा ही बता के उस चीज़ की तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ की तारीफ़ नहीं करता जो मुझे अच्छी नहीं लगती चलाने में। तो मैं सिर्फ जेन्युइन और असली बात ही यहाँ पे बताता हूँ, और वो भी जेन्युइनिटी से, जैसे मैं बोलता हूँ नॉर्मली मैं वैसे ही बोलता हूँ, यूट्यूब कैमरा के सामने मैं कोई स्पेशल एक्टिंग नहीं कर सकता। तो अगर अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।